हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से मरकरी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में अवेलेबल हो, मतलब प्रेजेंट हो, और अगर वो एट्थ हाउस में हो, अगर स्कॉर्पियो लगन में हो, तो क्या रिजल्ट देते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। बात करने से पहले वही वाली जो पुरानी चीज़ें वो रिपीट कर देता हूँ, जो कि हमारी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का जो मेरा प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। 15 अगस्त से पहले पहले का जो राउंड है उसमें आप भी अगर अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दी गई है उस पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम, अपने दो सवाल भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और साइमल्टेनियसली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली 15 अगस्त से पहले पहले आप भेज दीजिए, अगर आपकी कुंडली 15 अगस्त तक सेलेक्ट हो जाती है तो आफ्टर 15 अगस्त आपकी कुंडली की भी फ्री कुंडली रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपके जो दो आपने जो सवाल पूछे उसके रिगार्डिंग आपसे आपको जवाब दिए जाएंगे। साइमल्टेनियसली जो लोग आप लोग जो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो पर्सनल रीडिंग कराने के लिए भी व्हाट्सएप पर डिटेल भेज सकते हैं। ये रोज़ हर बार वीडियो में मैं बोलता हूँ तो इस बार भी बोलना था तो बोल दिया। बहरहाल आज हम मरकरी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। मरकरी में अगर स्कॉर्पियो में अगर मरकरी अवेलेबल सेटिंग हो तो क्या इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो जो लगन है वहाँ से सामने की जो दृष्टि है मरकरी की वो सेवेंथ हाउस पे पड़ती है और यहाँ पे दो नंबर लिखा है जो कि वीनस का हाउस है और जो एक सेकेंड वीनस का हाउस है और जो मरकरी खुद एट्थ हाउस का ओनर है तो सॉरी मरकरी खुद जो ओनर है वो एट्थ हाउस का ओनर हो रखा है। यहाँ पे तीन नंबर लिखा है तो यहाँ पे एट्थ हाउस का ओनर है और इलेवेंथ हाउस का ओनर है, मतलब छः नंबर जहाँ लिखा है वहाँ का ओनर है। तो इलेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस का ओनर होकर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो एट्थ हाउस जो लगन का स्कॉर्पियो लगन का है उसका जो ओनर है वो मार्स है। मार्स इसका ओनर बनता है तो मार्स इसका मालिक है और मरकरी के साथ मार्स की खास अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता नहीं है। बट फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है मरकरी और आयश का और आपकी कामनाओं का, आपके विशेष का ओनर होके भी बैठा है और आपके आपकी लाइफ और आपकी डेप्थ नॉलेज और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आपके जीवन का कितना समय है इस वर्ल्ड में, उसका भी कैलकुलेशन और डेप्थ की नॉलेज के रिगार्डिंग और सडन गेन और सडन लॉसेस का मालिक होके भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और दृष्टि दे रहा है सेवन्थ हाउस को। सेवन्थ हाउस का होना, जैसे मैंने ही बोला, वीनस है तो यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी वीनस के लिए तो अच्छा रहेगा, आपके स्पाउस के लिए ठीक रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, लेकिन उनके परिवार के साथ रिलेशनशिप में आपके कमी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे छठे 6-8 का रिलेशनशिप बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाउस से 1-2-3-4-5-6 और अगर यहाँ से देखेंगे तो 1-2-3-4-5-6-7-8 तो 6-8 का रिलेशनशिप बना रहा है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में या उनके परिवार से आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप खास अच्छा ना हो, प्रॉब्लमेटिक हो। ये भी हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी हार्श हो या आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो उसको आपको मार्स को देखना पड़ेगा, मार्स कितना अच्छा बैठा है या कैसा बैठा है। बट यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी अच्छा ही रिजल्ट देगा। पहले हाउस में मरकरी अच्छा पावरफुल होता है तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी अगर मार्स के साथ एग्रेसिवनेस है वीनस की, अगर वीनस की कहीं पे भी दिक्कत है तो यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी आपकी कम्युनिकेशन आपके पार्टनरशिप के साथ बेहतर करने की ही कोशिश करेगा काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें थोड़ा सा इन लॉज का जो रिलेशनशिप है वो दिक्कत देगा। इसलिए एडवाइजरी ये रहेगी जो कि इन लॉज से थोड़ा सा बात, इन लॉज का रिलेशनशिप आप न्यूट्रल रखें अपनी वाइफ के साथ और अपना रिलेशनशिप, तभी आपका अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये थोड़ा अच्छा ही रहेगा, लेकिन आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा सावधान रखिएगा, लोन वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा उनकी बातों पे आके, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साइमल्टेनियसली मरकरी आयश का मालिक होके यहाँ बैठा है और सडन गेन का मालिक होके यहाँ बैठा है, तो जल्दी कहीं से भी पैसा आ सकता है।
डेथ से पैसा आ सकता है, जैसे किसी की मृत्यु हो, किसी की डेथ हो, तो उससे हो सकता है जी कि आपको कोई एकोमुलेटेड एंसेस्टर इनहेरिटेंस मिल जाए। साइमल्टेनियसली आपकी कामनाओं का हाउस है, तो आपके विशेष फुलफिलमेंट करेगा मरकरी अपनी दशा अंतरदशा में, आपकी वाइफ के थ्रू भी आपकी फुलफिलमेंट, आपकी कामनाओं की फुलफिलमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सप्तमेश होकर बैठा है सातवें घर से, और यहाँ से नवम पंचम का योग बना रहा है 1 2 3 4 5, और देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम पंचम का योग बना रहा है, तो वाइफ के थ्रू भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वाइफ के रिलेशनशिप जो इन लॉज है उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने के भी चांसेस बनते हैं। साइमल्टेनियसली हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 8 का रिलेशनशिप बना रहा है और अष्टमेश होके छठे घर में बैठा है अष्टम आठवें घर से, तो कुछ खास अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा हेल्थ को लेकर। आपकी महादशा अंतरदशा जब भी मरकरी की आएगी, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन में या आपके हेल्थ में कोई ना कोई गिरावट आए, तो उसको अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करिएगा। अगर मंगल अच्छी जगह बैठा हुआ है तो इस सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि मरकरी यहाँ बैठा हुआ अच्छा आपको करेजियस बनाएगा, आपको हिम्मत वाला बनाएगा, आप बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करेंगे, आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत इंटेलिजेंसी होगी, और अब मरकरी मार्स यहाँ पे जो ओनर है यहाँ का, इसलिए क्या करता है फटाफट काम कराता है, तो मरकरी उसमें फटाफट दिमाग देगा और फटाफट आप काम करेंगे, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलने के अच्छे चांसेस है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिलमेंट का विश फुलफिलमेंट का मालिक ही फर्स्ट हाउस में जा के बैठा है। सिर्फ ज़्यादा हेल्थ को लेके और इन लॉज से लेके और थोड़ा सा वाइफ के साथ इनिशियल स्टेज या वाइफ के साथ कम्युनिकेशन को लेके थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, अगर वीनस अच्छी जगह बैठा हो तो वो भी नहीं आएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ का मरकरी ख़राब नहीं है, 75% अच्छा ही फल देगा, 25% थोड़ा सा 20 आप पकड़ सकते हैं, 30% 25 to 30% उतना अच्छा फल नहीं देगा, और 70% के आसपास अच्छा फल देगा। अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव बैठा हो, मार्स स्पेसिफिकली और वीनस, तो इसका फल रिडक्शन में जाएगा, तब आपको इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। मरकरी का उपाय कर सकते हैं, लेकिन मरकरी का कोई पत्थर मत पहनिएगा इस लगन के लिए, यहाँ पे मरकरी मारक है तो इसलिए इसका पत्थर मत पहनिएगा। मरकरी का कोई भी उपाय जाप या कोई भी काम करके करिएगा, वर्षिप, जैसे चिड़ियाओं को खिलाना हो गया, एक ग्रीन चीज़ें कुछ दान देना हो गया, बुधवार को कुछ हरी चीज़ें दान देने से आपको मरकरी का फ़ायदा मिलेगा। और भी जो जो उपाय, जो सीरियस उपाय मिलते हैं पर्सनल गुल्डी रीडिंग पे जो प्रोवाइड की जाती है, उसके थ्रू आप करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा वीडियो मरकरी अगर स्कॉर्पियो लगन में हो, चैनल सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आता है वीडियो तो। थैंक यू।